हेलो एवरीवन, आइए आज जानते हैं दो मिनट में पेंट को कैसे। तो पेंट को खोलने के लिए देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले विंडो आर प्रेस करेंगे। विंडो आर प्रेस करने के पास से विंडो आर प्रेस किया, यहाँ पे लिखेंगे एमएस पेंट। क्या लिखेंगे? एमएस पेंट। एमएस पेंट लिखने के बाद से इसको ओके कर देंगे तो देखिए पेंट खुल गया है। अब पहले हम समझ लेते हैं पेंट में क्या क्या कर सकते हैं। पेंट में हम अलग अलग काम कर सकते हैं, किसी भी इमोजी को बना सकते हैं, किसी भी लोगो को बना सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई भी ड्राइंग इसमें बना सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा काम जो आप लोग बाहर जाके पैसा दे के किसी भी फोटो को रिसाइज कराते हो या उसका बैकग्राउंड हटाते हो, वो सब चीज़ कैसे करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए कोई भी हम एक फोटो लेते हैं, फाइल पर जाके ओपन पर कर लेंगे। कोई भी यहाँ से एक फोटो लेते हैं, इस फोटो को ले लिए, यहाँ पे जाके हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। इस फोटो को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से क्या करेंगे? हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम छोटा बड़ा किसी तरह से कर सकते हैं। रिसाइज पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पिक्सल लिखा है, अकॉर्डिंग टू पिक्सल इसको हम कम कर लेंगे। क्या करेंगे? कम करेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? मान लीजिए हमको छोटा एकदम चाहिए तो 90, यहाँ पे पिक्सल पे जाएंगे, इसको 91 और इसको 70 कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपका फोटो एकदम छोटा हो गया। तो इसी तरह से बड़ा करना है तो अगेन पिक्सल पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 600 लिख देते हैं, देन ओके करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, फोटो का साइज जो है थोड़ा बड़ा हो गया। तो मतलब क्या समझ में आया कि जो आप पैसा दे के बाहर रिसाइज करते हो फोटो वगैरह, वो आप अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो वहाँ पे आप रिसाइज का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप रिसाइज कर सकते हो, इससे आपका पैसा बचेगा। दूसरा तरीका, अगर किसी फोटो को, चलिए दूसरा फोटो लेते हैं, यहाँ पे हम इसी फोटो को फिर से लेते हैं। चलिए इसी फोटो को हम फिर से लेते हैं, ओपन यहाँ पे इस फोटो को लेते हैं और इस फोटो में सिर्फ माता जी का जो फोटो है ना, ये माता जी का, बस उनको क्या करता है, क्रॉप करना। क्रॉप करना मतलब होता है किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके उतने एरिया को ही निकाल लेना। तो आप क्रॉप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे इसका सिलेक्शन बना लेंगे। सिलेक्शन बना लेने के बाद से यहाँ माता जी का बस हमको एरिया चाहिए, सिलेक्शन बना लिए, यहाँ क्रॉप पे दबा देंगे। तो देखिए बस माता जी का क्या हो गया, बन के आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हम कैसे रिसाइज करेंगे, क्रॉप करेंगे। अब आते हैं, सीखते हैं रोटेट करना। तो माता जी का फोटो रोटेट करना है तो ये देखिए रोटेट कर लिया, अगेन रोटेट किया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने फोटो को रोटेट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद से आते हैं हम न्यू चीज पे। न्यू क्या है? तो न्यू ये है कि हम कैसे किसी भी कोई इमोजी बना के उसको प्रॉपर तरीके ट्रांसपेरेंट में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर ऐसे क्लिक बना लीजिए, यहां पर फिर एक और ले लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं, अगेन एक और लेना होगा, हम इमोजी एक बना रहे हैं। इसके बाद से ये लेंगे, इसको ऐसे सीधे में खींचेंगे, बीच में से इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ कर देंगे और इसमें कलर फिल कर देंगे। कलर फिल करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद से इसको यहाँ करेंगे, कलर इसमें फिल कर देंगे, देन पीला यहाँ ले लेंगे। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद से यहाँ जाएंगे सेलेक्ट पे जाएंगे और रेक्टेंगुलर सिंगलर कर लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे नीचे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है ना, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, देन कीबोर्ड का शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे। कौन सा बटन? शिफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे देखिए, ये देखिए आपका ड्राइंग बन के आ गया, देख रहे हैं? तो ये ड्राइंग बन के आ गया। इसी तरीके से आप और चाहते हैं दूसरा, अगर थोड़ा सा इसमें और दूसरा अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइल पे न्यू जाके नया ले लेते हैं। तो मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई घर बनाना है, तो सिंपल यहाँ पे इस तरह से बड़ा ले लीजिए, इसके बाद से आप यहाँ पे ये ले लीजिए, यहाँ पे देखिए ट्यूटोरियल में ये देखिए, इसके बाद से यहाँ ले लीजिए, इसको ये ले लीजिए, देन यहाँ पे अगेन इधर लेके इसको कर लीजिए, एक बार और इसको लेते हैं, देन यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया। अब बस यहाँ पे क्या करेंगे, खिड़की बना लेंगे, यहाँ पे ऐसे खिड़की बना लेंगे। दो तरीका है यहाँ, तो एक तो ये रेक्टेंगुलर वाला शेप ले लीजिए, आप क्या करिए रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लिया। ठीक है, बस उसके बाद से कलर फिल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हम चाहते हैं ना ये कलर लेना है रेड, तो यहाँ पे ये ले लेंगे। इसके बाद इसमें भी ब्लैक हो गया, तो यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे हम
कलर चेंज करेंगे। तो देखिए ये सारा ब्लैक ब्लैक हो गया, लेकिन हम चाहते हैं इस सबको हटाना, इस सबको क्या करना हटाना। तो यहाँ पे ये ले लेंगे, इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल जेड कर लेंगे एक मिनट इसको, या फिर यहाँ से रिवर्स कर लेंगे। देखिए हट रहा है। तो यहाँ पे हटाने के बाद से अगेन यहाँ पे कलर लेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये कर लेंगे, दूसरा कलर ये ले लेंगे और इधर से ये ले लेंगे और यहाँ पे हम ये ले लेंगे। तो देखिए आपका एक घर बन के तैयार हो गया। इसमें आप नाम लिखना चाहते हैं, क्या कर लिखना चाहते हैं नाम, तो यहाँ पे सेक कर देंगे, यहाँ लिखेंगे अभिषेक 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 लिखेंगे, देन अरुण लिखेंगे, अरुण होम अभिषेक अरुण होम लिखेंगे। देन यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ देखिए यहाँ पे आप साइज को रिसाइज और कम बेस कम अधिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अरुण अभिषेक हो गया, बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से आप क्या करेंगे, अगर आपको कुछ इरेज करना है, इरेज बोले तो मिटाना है, तो यहाँ देखिए रबड़ दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है रबड़, रबड़ से क्या करेंगे यहाँ पे रबड़ को प्लस के साइन, प्लस के साइन से क्या करेंगे, अगर प्लस करते हैं तो रबड़ जो है प्लस के साइन से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और माइनस के साइन से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो बाकी इसमें ब्रश भी है, ब्रश का भी यूज करके आप क्या कर सकते हैं कलर ले सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं ब्रश का यूज करके यहां पे ओम बनाना, क्या बनाना ओम, देखिए ऐसे बना लिए, यहां पे गए ओम, ठीक है ओम बना लेंगे। साथ ही साथ अगर हमें कोई और भी शेप लेना है तो ये शेप ले लेंगे, देखिए किसी भी तरह का शेप लेना है तो शेप ले लीजिए। यहां पे आप अप डाउन एरो बनाना चाहते हैं तो ये देखिए यहां ऐसे बना लिया, फिर अगेन इसमें बना लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें कलर फिल करना है तो यहाँ से कलर ले लेंगे, कलर लेने के बाद से सब में डाल देंगे, देखिए अलग अलग कलर सब में, फिर इसके बाद से इधर कलर ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पेंट में सारा काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जब सेव करेंगे, यहाँ पे जब सेव करेंगे, सेव अब मेन चीज आता है सेव, यहाँ पे सेव जब करेंगे तो यहाँ देखिए कई सारा चीज खुल के आया है। तो हम आपको एक एक का फुल फॉर्म बताते हैं। सबसे पहले पीएनजी क्या होता है, तो पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, क्या होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। दूसरा टीआईएफ का फुल फॉर्म होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, क्या फुल फॉर्म टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके बाद JPG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और यहाँ पे 24 बिट मैप, ये 24 वाला जो साइज है ना ये बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है। यूजेबल कैसे है, अगर कोई आपका फाइल किसी कोई भी प्रकार का फाइल है अगर ज़्यादा MB का है, ज़्यादा स्टोरेज का है, उस फाइल का साइज जो है सेव जो करेंगे टाइप में, सेव टाइप इसको 24 बिट में कर देंगे तो जो साइज हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन उस पर डेटा का कुछ इरेज नहीं होगा, बस उस फाइल का स्टोरेज क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा। और वो रिड्यूस होकर आपका वो फाइल क्या होगा जो 5 मिनट में खुलता था या 3 मिनट में खुलता था वो विद इन अ सेकेंड खुलने लगेगा। इसी तरीके से अलग अलग कलर दिया है, मोनोक्रोम का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। तो जब आप सेव कर दोगे अलग अलग फॉन्ट में आप सेव कर सकते हो, तो हम JPG में करते हैं सेव कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका पेंट में इतना सारा काम आप कर सकते हो, लिखने का काम, बनाने का काम, ड्राइंग करने का, कलर करने का, इरेज करने का, रीसाइज, रोटेट, क्रॉप, ठीक है। तो आपका ये पेंट का ट्यूटोरियल यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, ऐसे हम नए नए ट्यूटोरियल लेते आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।